अभी आपने जाना नहीं है, आप जाए, ये सामने वाला दफ्तर है उधर, ठीक है, वो एक अफसर है, वो एक छोटी सी इंक्वायरी करेगा, घंटा दो घंटे लगाएगा, मुझे बताएगा और फिर हम उनको डंडा देंगे, ठीक है, पर्चे भी करेंगे उनके खिलाफ, डंडा देंगे उनको। वो तो सीधी डर दी आ गई, बस आप आ गई हैं, आप सबको पता चल जाएगा। हाँ, बीपी के मेरा बच्चा प्यो एदा कोई नहीं गति आदि ताड़ा में डालता थी चीफ जी साहब, इससे तक ये बातें आपने सुन ली हैं, इनको इंसाफ दिलाएं फिर बताएं, ठीक है, हम पूछेंगे सच तीन दिन में, पर्चे अभी दें और बाकी चीजें फिर, हम हमारी अम्मा हैं, आप जाएं, मैंने इंसाफ चाहिए, मैंने डर आता उस बहन बच्चे बच्चे बाहर नहीं काटती, मैंने बता दिया है अब नहीं होना। अच्छा ये पकड़े नहीं जा रहे, ये जरा बात करो तो किस अफसर से बात करो, या किस, अच्छा एजाज साहब ये सना बीबी आई है 396/23 में के मेरे मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो रहे, ये किसी फराज को पता है या आपको पता है? जी सर पता है आपको, आप क्या कहते, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं मुलजमान? सर मुलजम पहले साकिब साहब एक महीना मैंने रुलाई रखे, एक बार गया बंदा पकड़ दिखा दी बैठा उन्होंने अच्छा ये भी हुआ इसमें। हाँ जी फराज की बात कर रहे हैं? नहीं जी साकिब साहब पहले मंडी साधक गए, साकिब साहब होंगे फराज साहब है, मुंशना बाद महीना हो गया, मैंने आज चलने हैं जी रेट पे, कल चलने हैं रेट पे, आज चलने हैं कल चलने, कोई इसमें क्या मसला है जो साहब, फराज मसला क्या है, ये मुलजमान क्यों नहीं पकड़े जा रहे उससे? सर फराज ने तो अभी तक रेट नहीं किया, साकिब साहब गया था वहाँ पे उस एरिया में सर ना, अब ये केस फराज के पास है, आप ये कितने दिन में पकड़ लेंगे? सर हमारे पास आए हैं तो जाना पड़ेगा जी सर, इंशाल्लाह जल्द से जल्द, सर मैं अभी फ्रांस से सर करता हूँ रास्ता, तो सर लेके इंशाल्लाह जल्द से जल्द अरेस्ट कर। ठीक है तीन दिन में फ्रांस को बताएं, तीन दिन में तफ्तीश अफसर कम बताए, तीन दिन में आपके बंदे पकड़े, ठीक है, तीन दिन में अगर बंदे ना पकड़े गए तो फिर आप लोगों से हम रब्ता करेंगे, उनसे समझेंगे, अगर फराज ने तफ्तीश ने इसमें सुस्ती की होगी फिर भी तो फिर हम उसको सजा देंगे और फिर अच्छी तफ्तीश को देंगे। अभी बंदे का ये कोई सुनना नहीं, बस अभी हमने सुन लिया है आपका, नहीं खुला सर नहीं, आप मैं दिहाड़ी का बच्चे पालना, मेरे को इज्जत भी नहीं बची सर। अच्छा जा साहब इसको ये भी बड़ी तकलीफ है, देखो इस बात पे वो रो दिया है कि कोई थाने में सीधे मुंह बातें नहीं करता हमसे, तो अभी आपके पास ही आएंगे, आपने इनके साथ चाय पीनी है, इनको इज्जत देनी है और फिर मैंने खुद उनसे पूछना है कि पुलिस ने इनको ड्यू रिस्पेक्ट दी है कि नहीं दी। जी सर ये बाबा जी मेरे पास आए थे सर, मैंने इनको बड़ा पोलाइट किया सर, इनको डील किया, बैठ रहे मेरे पास सारे मामला सर डिस्कस हुए मैंने। नहीं नहीं वो कह रहे हैं कि देखिए एक तो मेरे साथ ज्यादती हो गई अखीर किस्म की और दूसरा हाल यह है कि मैं तीन दफा गया हूँ, ये कोई तरीका नहीं है, देखो ना ये कोई रेट का तरीका नहीं है, क्या मुझे कह रहे कि फलाने ने रेट किया था, फिर अब जिस तफ्तीशी को मिली है तफ्तीशी को जू तक नहीं रेंगी, ये मेरे सामने जब रो रहा है, दोबारा मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि आप तो पहले इसकी इज्जत करें, इज्जत करवाएं जो नजर भी आए, ठीक है वो वाली इज्जत करें और फिर इसकी दादर से भी फॉरन श्योर कराएं, अब तीन दिन में मैंने इस पर पक्का पूछना है, ठीक है तीन दिन के बाद हम आपसे पूछेंगे और इंशाल्लाह ये आपके जिस बात हम खत्म करेंगे ये वाली, ठीक है आपको पता चल जाएगा कि अच्छा पार्टी का ट्रैक्टर चोरी हुआ था सर,
इनका खामद उनके साथ ड्राइवर। अच्छा, इस पे इंक्वायरी लगा देते हैं। हां जी, बेगुनाह आईपीएस सारा सीधा कुरान देते हैं, बस हम देने दरबार च वड़ने मोड़ियो नहीं मानना। अहमद जी, आप हमारे पास आके इस पे पहले इंक्वायरी करा लेते हैं, और इंक्वायरी में अगर ये बातें मजुलियां मंडियां दे तो मैं सारियां दे के बड़ी परेशान। अच्छा, और मियां मेरा नाल है बड़ा है, हां ड्राइवर है, गड्डी ओदे हवाले करते गया घर। और इंक्वायरी के बाद फिर एक्शन लेंगे। ठीक है मामा जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट अभी आपसे रब्ता कराएंगे, फिर इस पर इंक्वायरी कराते हैं, 3 दिन में इंक्वायरी करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे की क्या सजा बनती है या क्या बनता है। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। बख्शन खान से आई है आप? एक सोने मेरा चाचा दी रहिश बचपन खां बच्ची शादी की सी, माफिया से जो बच्चा का नहीं सी रौला ओदी बालदा आया मैं। हां जी, तो ओदने हुण साडे उत्ते पर्चा करवाया होया गलत। हां वी सानू तो पता भी नहीं उन्होंने घर सट किसी दे लगी नहीं लगी, मां दे अकरम दी मां दे सट लगी उन्होंने साडे उत्ते। मतलब अकरम की अम्मा है आप? नहीं सर, ये मेरी बालदा है, मैं माफिया में हूं। माफिया में अकरम की सास? मैं अकरम की सास हूँ। मतलब मेरी ती ते भी, मेरे जवाई ते भी, अशरफ ते भी, राबिया ते भी, तमीर ते भी, तिन्ना ते साडे ते पर्चा करवाया। हुण एक तो अगे उजड़ के पे भी कर, दूसरी उन्हां दे घर दे विच लड़ाई हो गई, ओह भी लड़ाई होनी मियां बीवी दी भी साडे उत्ते पर्चा होया वा खिलाफ थोड़ी वजह तो। हुण हल मेरा बाबू करो इहदा। ठीक है, हां जी, इहदा अभी आप लोगों ने थोड़ा सा जाना नहीं है, पहले आप जरा इनको सुनवाओ इस लीगल को। ठीक है जी सर, आपका मसला पेचीदा है लेकिन हम मदद करेंगे कि केस आपका हम हल करें। ठीक है, जरूर करो मेरा सोना, हम जी इंशाल्लाह करेंगे। हां जी, आप इनको इस पर भिजवाओ ताकि वो पिछला मसला भी समझ ले, अगले वालों का भी, और फिर मैं उनसे पूछूंगा कि क्या इसमें रास्ता बनता है। अच्छा चलें, आप कहते हैं कि वो ये काम नहीं करता और पुलिस ने उसको खामखा में पकड़ा है इस काम के पीछे। हाँ जी, तो पीता जरूर है ये, तो काम नहीं ये करता। आप मेरे घर के जाके देख सकते हैं, हालात करने वाले होंगे, उनके घर भी अच्छे होंगे, सब कुछ होंगे, मेरे 4 बच्चे, मेरे तक पास कराया भी पकड़ के आई हूँ मैं। मैं तो हम सकराया लेकर आई हूँ, मुझे 1.5 महीना हो गया लोगों से ले लेके, घर का राशन बच्चों के लिए गुजारा कर लूं। चले, आपकी हम मदद करते हैं, ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, उनसे हम कहेंगे कि उन्होंने ये काम छोड़ना है। जी बिल्कुल, आइंदा से ये काम अगर कोई भी हो जाए तो जो आप कार्रवाई करना चाहें आप कर सकते, एक दफा मेरी मदद जरूर करें। ठीक हो गया, बस हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लो। अच्छा एस एच ओ साहब, ये है बुशरा बीबी आई है, इन्होंने मुझे कह दिया है इनके पर्चा हुआ है 715/23, ठीक है, इनके खावन के ऊपर। तो वो कहते हैं कि हम हर तरह से गारंटी देते हैं, हमारी गुर्बत है, छोटे बच्चे हैं, वो भी साथ आए हैं। ठीक है, तो आपने इनका इस तरीके से ख्याल रखना है जो हमने इनके साथ वादा किया है कि वो ये काम नहीं करेंगे और फिर हम इनकी मदद करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो हम आपसे गारंटी पर लेंगे। ठीक है, और बाकी आपकी मदद करेंगे हर तरह से, माशाल्लाह। दो हजार पंद्रह का है जी सर। ये तो माई जी बहुत पुराना मुकदमा है। हाँ जी। अच्छा, एक काम करते हैं, इस पे भी जरा अब भी आप लोग जाएंगे वासिफ सईद साहब के पास। ठीक है, वासिफ साहब के पास इनको भिजवाओ उधर, जरा मैं समझ लूँ किस में क्या अभी हम आपके लिए कर सकते हैं, तो हम करेंगे। ठीक है, अल्लाह खैर। बड़ी परेशानी, साडा कुछ भी नहीं पूरा, साडा बनाया का 1,000 रुपये ला ला तो साडे खपा मारा। ठीक हो गया, अब बाबा हमारे पास आ गई हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह हम आपके साथ पूरी तरह से मदद करेंगे। 2015 का वाक्या है, थोड़ा सा भी आपने जाना नहीं है,
अभी आप लोग जाएं अफसर के पास, मैं आपको भेज रहा हूँ डीएसपी लीगल के पास, वो आपको समझेगा। मैंने उसको समझाया हुआ है, वो आपको सुनेगा समझेगा और फिर मुझे बताएगा आपके साथ हम क्या कर सकते हैं, तो वो हम सारा करेंगे आपके लिए। ठीक है, बेफिक्र रहें। इस मुकदमे के बारे ना जी खान नसीम एएसआई थे अफजल एसएच वो बेहतर जानते हैं जी, वो ना उन सबको बुलाएंगे पूछेंगे। आप जरा डीएसपी लीगल के पास जाए ना। ये किसका है ये? अम्मा जी थाने नहीं गई आप? नहीं गई जी, मैं तो डर रहा हूँ, मैंने ना रिपोर्ट नहीं लेने दी। तो डर किससे है? अबे मेरे पोते ने मारा है। किसने? बुखार है जल्दी चला। किसने? वो ठीक है मामा जी, मैंने देख तो लिया है कि चोट लगी है। इतने लत्ता पे मार रही है, मेरा इको पोतो अदर गया तो मेरे को थाने अदर गफार जड़ा साडे पिंड दा सात फते चवा सात फते दा वाकया साडा साजिश बड़ा चिर दी चलदी, पानी पूनी तो पानी हो गया सी अपने फड़ लो फट के मेरे पुत नूं भन दिता, फट के इन्हां दा वध सोटे मारे बिन थाने च रिपोर्ट। उन्हें मेनू रिजल्ट नहीं लैन दिता हस्पताल, दो दिन मैं आपके पुत नूं लैके रही। आप थाने गई है? नहीं, मैं दरखास्त ही दित्ती, मैं गल झूठ मारा थाने वाला तलब किया, मैं कहा मैं करा आप डीपीओ को बेटे अपने को हो के मैं भेज जाना। अच्छा। मेरे को थाने जाने जोगे पैसे को नहीं देगी, मेरिया तीन धीया एक मेरा पुत, मैं भजी है मेन मुड़े आड़े आके दस गई है। आप फिक्र होके जाए, मेरे पुत ने मारी जान, बदमाशी भी हम निकालेंगे। पर्चा मेरा कर कराना, कहते तेरे को असी नहीं पर्चा करना, पर्चा होने नहीं दिता, मेरा रिजल्ट नहीं लेन दिता उन्हें हस्पताल मेरे पुत। इनको इंसाफ दिलाए फिर बताए। ठीक है, हम पूछेंगे तीन दिन में, पर्चा भी दें और बाकी चीजें। हमारी अम्मा है, आप जाए। मैंने इंसाफ चाहिए, मैंने डर आता उस बहन बच्चे बच्चे बाहर नहीं कट दी। मैंने बता दिया है नहीं होना। ठीक है जी, मैं बेवा औरत हूँ, मेरा खामिन फौत हो गया, मेरे निके निके दो बच्चे ने, मेरिया कुछ गावा सन पांच छे, वो मेरे सहरे ने खो लिया देवरा जेठ के नाल। अली अली इधर लिखा हुआ है कि पाक पतन जिले का है जी, और ना उधर रिहायश मेरे सहरे दी उठे मैं इत्या। अच्छा, बात करो उसी से। ये 8 लाख लिखे हैं, कितने लिखे हैं? हाँ जी 8 लाख। हाँ जी, 8 लाख इन्होंने अमानतन रखवाए थे किसी के पास। वो कहती है कि वो साहिला के मरहूम खावन के करीबी रिश्तेदार। अच्छा चलें फिर उनको साफ दिलाएं। ठीक है जी, गरीब लोग हैं। ठीक है बेटा, आप जाएं, अल्लाह खैर करेगा। अगर आपके बनते हैं ना जानवर 8 लाख रुपए तो आपके दिलाएंगे, फिर दिलाएंगे, आप बेफिक्र होके जाएं। हम हलफ चाप के कहते हैं कि अपने ज्यादा हैं, मैं हलफ चाप के कहनी है कि मेरे हैं, मेरी मेहनत मजदूरी। बस हम जरा समझ लेंगे और फिर आपको दिलाएंगे, फिक्र होके जाएंगे। आप लोग थाने नहीं गए जी? गए इधर तो ये लिखा है कि थाने आप लोग को बुलाया गया था बार बार और आप नहीं। सर गए दो बार गए। अच्छा रजाक साहब, ये किसी के जिम्मे लगाए ये? फिर अभी आपके रेफर कर देंगे, रानी बीबी आई है ये तो कह रहे हैं कि मैं आपको सबमिशन भी करूं, मैंने हल करवाने की कोशिश की है मामला, इसका शेख के भाइयों के नाम की जमीन है कि वो बात नहीं की, निशान होगी उन्होंने फेल कर दी। बाकी वो जिनके पास है अपग्रेडिंग करता दराज से वो देते हैं, उससे पेमेंट भी करते हैं या कम अज कम मतबादल लेके देते हैं। बीबी कहती है कि मुझे उसी में से करके दे सकती, तो वो जगह ऐसी है अच्छा बुनियादी मसला तो आपका वो जमीन का है ना? नहीं सर, रांद लड़ाई झगड़ा है। ये रानी बीबी तो अभी ये कह रही है कि इनकी लड़ाई हुई है कि स्कूल में क्यों पढ़ता है बेटों के साथ आपका बेटा, ये तो ये वाली बात है। आपके जमीन का भी कोई रोला है? नहीं जी, वो नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर बात कर रही है कि
कि मोहम्मद उमर वगैरह ने साले के घर आकर मारा पीटा, और इल्ज़ाम अलेहान का मसला यह है कि इनका बेटा उनके बेटों के साथ मदरसे में क्यों पढ़ता है, संगीन नतज के दम क्या देते हैं। ये तो बहुत संगीन मसला है। फिर देखिए, अगर गरीब लोग बच्चे स्कूल भी ना भेजें ऐसे बुली लड़कों के की वजह से, तो फिर तो गरीब बंदे स्कूल भी ना जाएं। सर वो भी घर असी एक घर है, वो भी घर है, वो भी घर है जिनने रांद पाई है। तो उन्हें तीन दफा ज्यादती की थी, तीन बारी हो चुका है, और तीसरी चौथी बार आते थे सिर सर उठे जाते दरखास्त दी है। दो बारी थाने गए, मुड़ थाने जाते भी धमकियां लाई ने बार साहब नु भी असी उतना तुतना जाते रस है, तू यही करना है यही करना है। उन्हें जी पूछा ही नहीं उन्होंने। मैं दो दफा गई हूँ वारा साहब, तो पूछ लो वारा साहब ते मेरी दरखास्त गई हुई है आज कि अच्छा, साहब ये आपकी जिम्मेदारी है। अब इस बच्चे को आपने स्कूल में सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देनी है, इस बच्चे को आपने सेंस ऑफ सिक्योरिटी देनी है स्कूल में। उसके लिए आप जो भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करें, उन बंदों के खिलाफ, इसमें देखना मैं आगे पीछे बिल्कुल नहीं देखूंगा। इसमें बस सिर्फ यही मेरा मसला है कि दिस इज टू सीरियस, के वो बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, इनका वो तगड़े हैं तो जो है वो स्कूल जाएगा, आप इंश्योर करेंगे, और वो दूसरे लोग इनसे माफी मांगेंगे अगर ये बात सही करें। ठीक है, आपके बच्चे के हम स्कूल भेजेंगे और इज्जत से भेजेंगे, और वो स्कूल में हिफाजत से रहेगा, ये इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे, हमारा काम हो गया। अब तो हमारा काम हो गया आपके बच्चे को पढ़ाना, अब हमारा भी बच्चा है, आप उनको बताएं। कोई आपको कहे कि ये है वो है तो बताएगा, तो डीपीओ कह रहा है हमारा भी बच्चा हो गया है। ये आप कह रहे हैं कि कब से कब क्या है? 25/7 को जी। 25/7 तो पुरानी बात है सर। ये ऐसे है ना, ये इसके खावन ने नई शादी कर ली थी। हाँ, वो तो इधर लिखा हुआ है। इसको खर्चे के इवज में एक एकड़ रकबा और घर दिया था। हाँ। अब उसने इसको रकबे से भी निकाल दिया है। कब निकाला है रकबे से? तकरीबन सर 6-7 माह हो गए हैं। 6-7 माह हो गए। उसने गंदम भी काट ली थी, इसकी काश्त इसने की थी, बर्दाश्त उसने कर ली सर। तो अब लोग बाद वो जमीन भी इससे खो ली है, और इसके खिलाफ FIR भी करवा दी थी सर। तो आप सर उधर गए थे मिंजनाबाद खुली कचहरी में, आप ये पेश हुई थी, आपने DSP साहब को कहा था कि इनका मौकफ सुने, और DSP साहब ने दोनों पार्टियों को सुना है। उसने SHO साहब को कहा कि इस माई का FIR दो। उधर गए हैं वो एक अदरीस बलोच नामी बंदा सर टोटे थाने का, वो दूसरी पार्टी के साथ गया, उसने कहा यार इसका पर्चा नहीं देना, बस इसको जो टाल मटोल करते रहो। 10 दिन हो गए सर ये दलील हो रही है। नहीं, इधर ऐसा लिखा नहीं है कि उसने ये कहा कि पर्चा दें सर। हमें जो बात किस चीज़ का अभी इनका दिलवाना है सर, इसको मारा पीटा उन्होंने सर, जमीन खोई है सर इसे। वो तो जुलाई के महीने में लिया है, जुलाई का पर्चा भी तो हम नहीं दे सकते ना सर। उन्होंने तहरीर हमसे ली है सर। तहरीर अगर आपसे लेना, वो दरख्वास्त होगी, ठीक है जी सर। अभी आप मुझसे समझ लें फिर, ठीक है, आपसे मदद हमने करनी है जी सर। एक तो आप लोग लेट हो गए हैं जी सर कब्जा लेने में, ये दरख्वास्त आपको ये 25/7 को देनी चाहिए जी सर, फिर आपका कब्जा फौरन हम करवा देते हैं जी सर। अब चूंकि ये 5-6-7 महीने से ये काबिज है जी सर, अब हमने ये मसला समझना है पहले, ठीक है। इधर लिखा भी यही हुआ है DSP मंजनाबाद ने पहले ये SC वगैरह के साथ मिलकर समझना है जी सर, ठीक है। वो रिपोर्ट भी सर आ गई है। वो रिपोर्ट कैसे आई है? रिपोर्ट दे दी सर DSP साहब को सर, गिरदावरी की। अच्छा, एक काम करें जी सर, अगर तो वो रिपोर्ट वैसे आई नहीं होगी सर, आ गई सर, मुझे नहीं अंदाजा, क्योंकि वो AC वगैरह तो मशरूफ इलेक्शन के सर। अच्छा, रिपोर्ट आज मौसूल हो गई है? हाँ जी सर, उनको देते हैं सर DSP को दोबारा भी इनका करेंगे, ठीक है। DSP मंजनाबाद ही को हम कहेंगे, ठीक है। पर्चा आपका अगर बनेगा तो हम देंगे, वो वाला पर्चा हम नहीं दे सकते उस वक्त वाला नहीं सर। उस टाइम में कॉल की थी सर, और ना मैंने बांध कब्जा में कॉल की थी, सुलभकार जो ये उसका वो तो 8-10 महीने पहले की बात है ना। उसने कॉल किया, उल्टा सर पुलिस ने इसके खिलाफ पर्चा दे दिया, वो 8-10 महीने पहले की बात है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं?
अब हम जमीन का तयन करेंगे कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या मसला हुआ, ठीक है? हम समझेंगे, एक काम कर लेते हैं, मसला तो डीएसपी मिंचन आबाद नहीं हल करना है। हाँ जी सर, लेकिन एक दफा इनको डीएसपी लीगल से भी मिलवाओ। सर मेहरबानी कर, तो मेरे बच्चों का हक, मेरा किला लात दे दो सर। सर मस्त यार रोटी दे दे, जड़ मेरे बाल रोटी खाने ते मेरे बाल। हलीमा बीबी आपकी हम मदद करेंगे, ठीक है? मेहरबानी जी, मेहरबानी आपकी हम मदद करेंगे। सर माँ प्यो फौत होया वे, भाई आदा मैं ते भतीजा नु नाल लाते, मैं ते बस ते नु पता मैं जाना किथे निगी, आपकी घट हो गई परेशान। 6 साल को नु शादी कीती, नु चूड़ी लई होए, सोंदे च 4 बच्चे से मेरे च 3 ने ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਮਾਰ ਤੇ ਕੋਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਲਿਆ? ਬਸ ਇਸਕੋ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਸਰ, ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਗੰਦਲ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਮਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਹਮਾਰੀ ਸੁਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, 15 ਪੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਆ ਸਰ, ਕੋਈ ਸਰ ਵੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕੋ ਅਭੀ ਮਿਲਵਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਡੀਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਕੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿਸ ਕੀ ਕੀ ਹੁਆ ਤਾ। ਸਰ ਦੇਖ ਲੋ ਕਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਟਾਲੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੌਕਣ ਤੇ ਨਸੀਬ। ਇੱਕੜਾ ਆਪਕੇ ਨਾਮ ਹੈ? जी वो बच्चन डिग्री हुई बच्चन के एक स्टेटमेंट दी है ना, जमीन नाम तो काल की दरखास्त है, फिलहाल हम मदद कर सकते हैं। वो इजरा दायर किया हुआ है सर, हमने तो वो दायर किया हुआ है ना, मिला तो नहीं आपको? हां जी, इनको डिस्प्ले के पास भेजिए ताकि जो भी हम मदद कर सकते हैं आप ही करेंगे। आपको मेहरबानी, अल्लाह ताला मेरी जिंदगी दवानों दे, अल्लाह ताला दे सब जाए, आपको मेरे साथ लेके जा रही है, आपको समझाएंगे भी, ठीक है? समझ भी लेंगे कैसे आप लोग केस कर सकते हैं। अच्छा अभी आपको जल्दी तो नहीं है? नहीं, आपने थोड़ा सा भी जाना है। नहीं सर, मैं भी इसका एक, इसने उस दिन ना ढाई फुट पे जोड़ है, वो मैकेनिक बुला लिया था, फिर बंदों के सामने जो ना फूट जाती तो वो सर दुखना सब, तो अब ये कह रहा है उसको कुंडों का भी है इसको आयु के साथ दोबारा सर, सारे अंदसियां, सारे अंदसियां निशानी है, मैं कटराला, मेरा कटराला मिस्त्री में भी खा लिया, कटराला आ जाएगा उधर, अगर ये अपने मैकेनिक ले जाए जिस स्टेशन ने बनवाई है, उनका बंदा जिसने बेची वो भी आ गया था, जो दरमियान वाला है वो भी रह जाएगा, ये अगर ये साबर का ट्राली वो डीएसपी साहब से करके कोना का जी साबर जी कार से पकड़ तो लेंदी है, 40 लाख रुपया लात जी से पकड़ लेंदा साबर जी, क्या है अपने करना उस दिन जो जोड़ वाली थी वो सर, वो मिस्त्री ने बिकाया उसका का जोड़ जेड़ा बिचाले आ जांदा ना, उन वो नहीं लगता पीछे लंबी, ते सारो साडा ट्राला है 3.5 फुट बना हुआ उच्चा, मिस्त्री आका है ट्राला मेरा बना हुआ है, ते ए बदली है ठुकीती हुई है, हिस्सा उस ना बदल दिता ट्राला, ए असी जी 4.5 लाख रुपया लाद जी पकड़ ते लंदा है, ओना का असी लिया जी अपने इतू मिया चन्नू इचो मुल लिया किसी पंप तो, वो ना अजे बंदा आया ना लाण ने देना ट्राला ट्रैक्टर दे दिता, 2 साल हो गए रोड रोड ते मैं तो खप गई जी, इसका आज ही फैसला करते हैं आप जरा। अच्छा है सच में मौजूद है इधर, इसको दोबारा भी कहते होंगे, अब मैं इधर तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ट्रैक्टर आपका है, ट्राला है जी, ट्रैक्टर उन्होंने रहा। हाँ जी, ट्राला भी किसका है? ठीक है, इस पे थोड़ी सी तसल्ली हम कर लेते हैं, ठीक हो आपका है तो आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। ट्राला भी है जी, ट्रैक्टर दो में चोरी हुए, ट्राला ट्रैक्टर दो में चोरी हुए, जो ट्राले वाला बंदा ले आंदा ना जिंदे कोल उन्हें मोल लिया हा, तो ट्रैक्टर लभ जावे सर। हाँ जी, ट्राला ने इतो दे दिता, मतलब 5 दे ट्राला खा रही हो, बंदा लाया तो नहीं आया, ट्राला दे दिता। नहीं नहीं, वो ट्रैक्टर भी इनका है सर? नहीं नहीं, ट्रैक्टर नहीं था, वो तो ट्रैक्टर ने भेजा था अपना साथ भी, हमारा ही ट्रैक्टर जाएगा थाने आपके लेके ट्राला, जब फैसला हो जाएगा सर। बड़ा औखा लेंदा है खालिद साहब, लेंदा है इस लेंदा जी, मैं कह देंदा मैं आसान नहीं कर दे सर, ट्राला अपना ट्राला ट्रैक्टर दो में चोरी होया, और मैं कह मेरा ट्राला ट्रैक्टर दो में चोरी, ट्राला वो उन्हां दे ट्रैक्टर च पाया होया, जेड़े बंदे को उन्हें मोल लिया है। अभी अभी जाके ना थोड़ा सा साबित करें ताकि मैं भी समझ लूं, ठीक है? इधर हम कम बात कर सकते हैं, अभी एक अफसर के पास अभी जाएं, जी और से साबित कर, आप भी जाएं, अभी घंटा लगे 2 घंटे लगे, ठीक हो गए, साबित ही होके निकले, ठीक है? ठीक हो, आपका है तो इंशाल्लाह अपना देते हैं, ट्राला भी और ट्रैक्टर भी आपको पकड़ के देते हैं, ठीक हो, ठीक है, अब्दुल्ला। अच्छा, जमीन का मसला है, बड़ा पेचीदा है आपका मसला, आप थाने भी नहीं गए? कैसे साहब, थाने में गया था लेकिन मुझे जो ना मालूम मिल सके, उनके रिश्तेदार सारे मदरसे में रहते हैं, मदरसा थाना लगता है। चले, वो जो है आपको इतमाद नहीं था पूरा? जी भी मदरसा नहीं, इतमाद था मुझे। अच्छा, मुझे डर था, डर था जिसकी वजह से कब्जा करने के लिए मेरी
खड़ी फसल के ऊपर उन्होंने ट्रैक्टर के खराब कर दी फसल, उसका एक तो पर्चा बनता है जी। दूसरा जो सा मुझे अगली जमीन की जो बकाया उन्होंने बाद में इंतकाल दिया, मेरे से 1,39,000 का लिया हुआ था उन्होंने गवाहन के दस्तक पीछे वो जनाब खुफिया तौर पे बेच के मजीद मेरे से पैसे कह रहे थे, इंतकाल हमने नहीं कराया, मजीद पैसे के चक्कर में 420 करना चाह रहे थे और कब्जा मेरी जमीन का, जब पता चल गया शोर मैंने इंतकाल नकली निकलवाई, फिर उन्होंने कब्जा करवाने के लिए से ना मेरी फसल के ऊपर ट्रैक्टर चलवा के कब्जा करवाने की कोशिश की और तबाह कर दी 17 तारीख को। चलो रिजवानी आपने पर हल करने पीछे कौन है? चलो नवाज को मैं बताता हूँ, आप इस पर नजर रखें, नवाज को बताओ ठीक है, आप अभी ताने जाएं, अभी ताने गए नहीं आप, ठीक है हम ताने कॉल करते हैं जी और जो है हम समझेंगे भी पूछेंगे भी और इंशाल्लाह अपने साथ बुलाएंगे आपको। मदरसा अभी से बात कराओ, किससे मिलना है अभी आपसे, आपकी बात करेंगे फिर आप। आपकी रिकवरी होनी है, लगती हुई थी? हाँ जी सर। अच्छा सर, हाँ नईम ये बताओ ये बंदे कब पकड़ेंगे? ये हमारे पास शेख अब्दुल्ला साहब आए हैं कि मेरे साथ रॉबरी डकैती हुई थी और बंदे मेरे नहीं पकड़े जा रहे। सर मेरे साथ वारदात हुई थी, मैं और अफजल साहब मौके पर गए थे, तो इधर सर ये वाले कहेंगे जो है दाद पोत्रों वाला, इनमें सर बंदे जो है ना दो जो सतह पर पकड़े हुए हैं ना, उन्होंने बताया था कि बिरारी जफरी और ये रणवीर शाह है, इन्होंने ये वारदात की कुछ रोज। उसके बाद हमने सर तीन चार किए इस पर, एक दफा हमारी क्रॉस फायरिंग भी हुई इनके साथ, तो चार पकड़े नहीं जा रहे सर। बाकी मेरे सर मैंने उनको सारा बोला, इसका वो जो माल पर पता हम जमा करवा के पीएफ एच वगैरह सारा सर वकील पूरी है, इंशाल्लाह तारा सर इसके साथ वकील में रबते भी लगे तो है वो, उनको पता भी है कि किसने किया है, क्या कहते हैं आप? जी मेहरबानी कर दो जी, मेरा मसला हल नहीं होता तो मैं ताँ ही इत्थे आया। हाँ मसला कौन सा? रिकवरी जी सर, ये अगर पकड़ सकते हैं जी मेहरबानी हो सके ना। हाँ तुसी कर दो ये देखो ना। अच्छा बताओ कि आप लोग पकड़ सकते हो नहीं मैं सही के नहीं? कोशिश मैं कीती है लेकिन पेमेंट ला के खैर बात की। ये जो डाकू ने मारा था जी सर, अल्लाह खैर करेगा ठीक है, दो चार दिन अगर लगते हैं वो लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है दरियाई बेल्ट में चले जाते हैं चुपते हैं ठीक है ना, ये तो पुलिस से फायरिंग भी करते हैं, तो इनके पीछे हम पड़े हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा जब भी पकड़े जाएंगे ना तो आपको भी इतला करेंगे, हम आपकी भी रिकवरी कराएंगे ठीक है, इन से रबते में रहो जी सर। ठीक है जी, आप हमारे साथ रबते में रहें, इस केस को तो हम खुद भी देख रहे हैं। आपकी हम मदद भी करेंगे और वो बंदे भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या फर्क किरदार पहले भी आए थे हमारे पास तो उनके आईओ ने पैनल कर दिए, तीन बंदे गुनाहगार एक जेल में, जब तब्दीली तफ्तीश चाहते हैं तो कहाँ रखते हैं फिर इनका? डीएसपी। डीएसपी ठीक है, तब्दीली तफ्तीश कर दिया। नेक्स्ट ठीक, मोहम्मद रफान रोड से। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बात कराओ जी। जी सर रिकवरी नहीं हो रही आपकी? रिकवरी सर मुलजम फड़े ने पहले एफ आई डी दिते बंदे नाम लो सी सर, असी खुद ही ट्रेस बंदे उन्दे बंदे ट्रेस के बाद असी बंदे तो पकड़ाए जी, वो नजीमे एस आई साहब शाह साहब कह लगे भी ये बंदे नहीं उन्होंने छड़ते सर, बाद विच फिर असी 13-14 शब का वाकया सर, असी उस बाद 15 तारीख तो मैं थाने जान लगा, तो आ डेट आ गई कल, फिर नदीम साहब की मैं मेहनत की, मैं गरीब बंदा सर मैं नहीं इन्ना अफोर्ड कर सकता ना, मेरे को इन्हें आने जोगे कराए, ठंड सर्दी इन्नी सर
नानी मेरी 65 साल जिंदी सर्टिफिकेट की कली रही घर नबीनी अखा तू सर मैं सर्दी तो नहीं लिया सकिया लिहाज का मेहरबानी की नदीम साहब शाह साहब साढ़े वास्ते कोई नहीं है ना असं उस थाने नहीं जाते नदीम साहब की मैं मेहनत की सर मैं ना मेरे को किराए नहीं तो ना मैं सर्दी मर सकना ना मेरे को सर्दी मैं सर तुम इन्होंने छड़ दौ बन दौ मैं नहीं आता है जो सा कहते उन्होंने रिकवरी नहीं करा सकते बरामदी नहीं पा सकते पहचान लिया था उनको जी सर बंदा नाम ये क्या मुझे कह रहा है शाह साहब ये बताइए कि जरा ये अपने ये दूसरे गांव में रहते हैं नानी इसकी जो है ना कम के घर का फासला कम कम 7-8 किलोमीटर का है इसको अपनी नानी से इतनी हमदर्दी है कि 70 साल की माई को अकेला छोड़ा हुआ है सर जी बिल्कुल उसके घर में बंदे गए थे और इन्होंने उनके बिल्कुल पड़ोसी मुलिका दीवार है इनके रिश्तेदार है करीबी पुरानी एनमिटी है उनको उनको नामजद किया है हमने उनको पकड़ा हुआ है अब उसकी तफ्तीश कर रहे हैं सर खुद अच्छा उनको पहले तो एक मिनट उनको नहीं पकड़ना चाहिए था अगर आपके पास आपकी अपनी तफ्तीश नहीं कहती ना तो नामजद तो चलो मुलजम का हक है कि वो नामजद करे सर लेकिन गिरफ्तार नहीं करना था तब तक जब तक कि वो गुनहगार ना साबित होते अभी आप मुझे ये बताएं कि ये किसने की है ये 392 किसने की है इनके साथ इनकी जान तो इन्होंने छोड़नी है ना या नहीं छोड़नी आप लोगों की तफ्तीश क्या कहती है सर इसमें अच्छा चले इसपे मैं इंक्वायरी लगा देता हूँ ठीक है इस पे इंक्वायरी लग गई ठीक है सर इस पे इंक्वायरी करते हैं ये मसला है ठीक है सर आप इंक्वायरी के लिए जरा सकते हैं सर बिल्कुल आ सकते हैं या इंक्वायरी उधर करीब लगा दो मैं डीएसपी को डीएसपी को लगा दो कोई मसला नहीं है इधर लगा लो इधर लगाना बेहतर कोई इधर लगा दिया जी शाह साहब जो बात कर रहे हैं ना अभी अब इंक्वायरी में इंक्वायरी करेंगे ना फिर सारी बातें आपने करनी है बोलेंगे इसके ठीक है ठीक आएंगे पर सजा देंगे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम ये भी रिकवरी है हाँ जी इसमें रिकवरी है जी अच्छा फरियाद ये 463/23 में रिकवरी कुछ हुई है 70,000 रुपए का रिकवरी हो गई है एक मुल्जम की गिरफ्तारी बताया वो पकड़ के मुकम्मल करवा देंगे कब तक कर लोगे सर उस मुल्जम के पीछे पीओ हो गया था मुल्जम कब तक कर लोगे जल्दी सर पिछला करवा देंगे नहीं बता दो कोई टाइम मुझे बता दो एक हफ्ता सर ये 70,000 रुपया 70,000 रुपया में सिर्फ जो तफ्तीशी है ना जी वो कहता है हमारा 35,000 खर्चा वो हमें दे दे अच्छा वो कहता है मेरा 35,000 दिया तो नहीं है नहीं मैंने लिए नहीं है देना अच्छा। देना कहाँ से है मैंने तो नहीं दिया अभी तक कुछ नहीं दिया आपको 70,000 मिले हैं कुछ नहीं मिला कहते फॉर्म के ऊपर साइन कर दो तो मिला हमें अच्छा ये अभी आता है पहले तो उसको 70,000 दो ठीक है और तफ्तीश को मेरी तरफ से शुकास दे दो अभी उस पर मैं अभी इंक्वायरी कराता हूँ कि अगर उसने ये वाला काम किया है तो फिर मैं उसे देखूंगा 7 दिन में आपको फर्क ठीक है ठीक है जैसा शुक्रिया इसमें फोकस लगी मोहम्मद यासर अच्छा कौन सा थाना है ये मंसराबाद नहीं इसकी तो इधर इंक्वायरी लगाते हैं ठीक है इसकी इंक्वायरी करेंगे इधर ठीक है आ सकते हैं ना बड़ी मेहरबानी ठीक है इंक्वायरी करते हैं फिर सजा देंगे डोडा फेसबुक पे काल में देखा है इंसाफ हुंदा मैं उस वाइज दरखास्त लेके चलया भी ओते मेरा इंसाफ हो गया नहीं तो कोई नहीं करता क्या बात है दो तीन ना बंदा इंसाफ ही होगा जी उन्हें आके कदे चट्टी दीती भी पीछा हट क्या हां जे चट्टी दीती तू मियां पीछा हटदी भी हूं 4 लाख रुपए लेके पैसे को हटा दस सके फोन की अभी आपको बताएंगे इंक्वायरी लग गई है इंक्वायरी लग गई है अभी हुआ तो अभी आपको बुला लेंगे नहीं तो फिर आपको बुला लेंगे इंक्वायरी करते हैं और जो है फिर देखें क्या होता है मोहम्मद अहमद साहब जी अहमद अली मिंचराबाद से सर जी सर वो आपका जी वाह बिजली चोरी का इल्जाम लाया गया ना कोई साडा मीटर है ना कोई साडी तार है मीटर है ही नहीं नहीं है ही नहीं साडा सोलर लगया हुआ है जी सारा सिस्टम सोलर पे चलता है सानू पता ही नहीं सी सर आए ना इतला ही होना अंत सानू इतला दी थी सानू उस टाइम पता लग गया तो ठीक हो गया आपकी मदद हम करते हैं ये भी डीएसपी लीगल से आपके पास भिजवाओ ठीक है आपका हम मदद करते हैं रास्ता निकालते हैं अहमद अली
ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਾਵੇ ਆਮੀਨ अच्छा जबार साहब, ये अहमद अली आएंगे आपके पास? थाने नहीं गए तो डेढ़ साल पहले वो कह रहे हैं कि हमारे हमसे किसी ने चोरी कर ली थी, तो अभी कोई मदद नहीं कर रहा, तब से हमारी मदद की जाए। आपके पास आएंगे, समझ भी लो अगर वाकई इनकी चोरी हुई तो फिर तो फौरन बरामद कराओ, नहीं तो फिर मदद करो बाबा जी हमारे, ठीक है? हम पूछेंगे तीन दिन बाद। ऐसे चलते ऐसे जो मंशन आबाद के थ्रू कराओ इसको। जी सर, मोहम्मद फैसल बरामद की नहीं हो मोटरसाइकिल की, कब चोरी हुई? 8 माह। चोरियों के गैंग्स तो पकड़ रहे हैं आपका भी अभी थ्रू कराते हैं। अच्छा सैफुल्ला साहब, ये अब्दुल शकूर साहब भी हैं मोटरसाइकिल लेके चोर, जिस तरह से आप पकड़ रहे हैं, ये केस जरा नोट कर ले, 6469/23। नहीं 646 नहीं, 469/23। ये आप नोट कर लें, और ये आपने मुझे ये बताना है तीन दिन में कि किसने किया है असल चोर, ठीक है? असल चोर पकड़ेंगे तो बाकी कहानी बन जाएगी। 4 माह हो गया पैदल चल, अभी अभी लगेंगे पीछे। आपको पता है ना कि ये बहावलनगर के दोनों थानों में हम जब से पड़े हैं ना, तो हमने एक्चुअल चोर पकड़े हैं, उससे एक तो रिकवरी अभी तक हो गई है, 20-30 एक ही गेम से रिकवर होने मोटरसाइकिल में, और हम लोगों को दे भी रहे हैं। और एक सबसे बड़ा दूसरा फायदा यह हो गया कि चोरियां कम हो गई हैं मोटरसाइकिल की बड़ी, तो अब ये भी कोई गैंग होगा ये मैं उनको बताऊंगा कि पकड़े, ताकि और भी ना चोरी हो और इनसे भी बरामदगी करवाई जाए, तो इंशाल्लाह ये करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे, अदरवाइज भी बताऊंगा, ठीक है? आपने क्या दिखाया है, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई? जी जी, मेरी मोटरसाइकिल चोरी है, मैंने खुद ही भाग दौड़ के, तब किसी से बात कराओ, आपने भाग दौड़ कर, इसके अंदर ही है वो, सुबह से इधर बैठे ना, आप कुछ ऐसे कुछ दी हुई है मैंने कभी, ये जो तफ्तीशी ना उसके पास है। तो वो क्या कहता है तफ्तीश? अब वो टाउन कॉल कर रहे हैं सर जी, एस एच ओ साहब को ना, पिछली 8 तारीख को मैं इधर आया था पेश होने के लिए, इन्होंने कहा कि अभी 2-4 दिन हुए हैं आप चले जाएं, थोड़ा सा टाइम दें, तो वो शाहद भाई ने फ़ोन किया, एस एच ओ साहब कह रहे हैं आके मुझे मिलने, उस दिन से मैं सुबह दोपहर शाम तीन दफ़ा चक्कर लगाता हूँ, एस एच ओ मिलता ही नहीं है जी, फ़ोन भी करता हूँ तो कोई रिप्लाई उठाते ही नहीं है फ़ोन जी। अच्छा आसिफ, आपके पास एक केस है 4/24 ये 381 का है, ये लड़का मेरे सामने आया हुआ है, वो है हाँ जी, लेके जाते नजर आ रहे हैं जी, वो कैमरा मैन जो सेफ सिटी कैमरे लगे हुए ना, मैं महीना हो गया उसकी मिनते कर रहा हूँ कि मुझे ढूंढ दो कैमरे ओपन कर लो, वो आते ही उठाता ही नहीं फोन। अच्छा, ही नहीं, देखो बात यह है कि अपना आईओ साहब अभी ये आपके पास आएंगे, अपने एस एच ओ को भी बताओ, एस एच ओ को भी हम बताने लगे हैं कि ये वाली बात मैं ना सुनूं कि भाई जो मुझे कह रहे हैं कि मैं बार बार जा रहा हूं और मुझे टाइम नहीं दे रहे, ये वाली बात ना हो। अभी आप जाएंगे थाने? जी जी, आ जाएंगे या कल जाएंगे? मैं अभी 50 किलोमीटर सफर भर ना पास आया हूं सर, पिछले दिन भी आया, सुबह को मैं इधर आया हूं। थाने आप कब जाओगे? आज ही चले जाएंगे जी। आज जा सकते हो? हाँ जी। आपको वो चाय पिलाएगा जी जी, मुझे तस्वीर भेजेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। बाकी आपके केस के ऊपर अगर तो ये आपने मुझे वीडियो दिखाई होती और उसमें साफ नजर आ रहे होते, लेकिन आपने खुद भी कह दिया है कि उनकी चेहरे नजर नहीं, चेहरे नजर नहीं आ रहे, उन्होंने सारी चादर लपेटी हुई है मुंह पे, ये ऑन हो गया, तो फिर ये तो नहीं पता ना कि किसने चोरी की? नहीं, सभी गैंग पकड़े गए हैं, 2-3 गैंग पकड़े गए हैं जी, रक्षा चोर भी पकड़े गए हैं, सारे पकड़े गए हैं, तो बरामदगी अभी तक ये भी पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे तो हम सजा देंगे इंशाल्लाह, चोर तो हम पकड़ेंगे, ये किसने चोरी की? सर जी मैं काम से बैठा हूँ सर जी, मैं मजदूरी मिले, ठीक है आपकी आपकी जाओ, आपके एस एच ओ मदद भी करेगा, इसका जो खर्चा होता है ना एस एच ओ को बताओ, इसका जो खर्चा होता है अदरवाइज इसकी मदद करो, वो जो हमारे मैन पैनल बनाए उन लोगों को इन्वॉल्व करके, ठीक है इसकी मदद भी करो जब तक इसका मोटरसाइकिल नहीं बरामद करते। और ये समझ लें जो गरीब
इस तरह के बंदे का जो दिहाड़ी लगाता है और रात को अपने पैसे लेके जाता है, उसका मोटरसाइकिल या उसी तरह की चीज कोई रोजी रोटी वाली चोरी हो जाए, उस तक उसका तब तक हमने हाथ बटाना है जब तक हम उसकी रिकवरी नहीं करते जो उसकी रोजी रोटी का सबब बने। ठीक है, ठीक है, ठाकुर साहब जाओ, अपना ख्याल भी रखेंगे। ठीक है, ऊपर बैठे बाबा जी, बाबा जी ऊपर आ जाए, बाबा जी ऊपर आ जाए। क्या मसला है बाबा जी? थाने उत्थे गया जो उस समय गए अरमान मेरे नाल गया साढ़े कोल गए उसने जो ट्रालियाँ मिट्टी के लाते तो तूड़ी सट दी ने कल रात पटवारी ने मौके से सदा दे तो उन्होंने याद है पत्र की कराया नहीं 9 बजे मैंने फोन किया मैं नहीं आना बुढ़ा बंदा उन्हें कहा जी मैं रिपोर्ट कर। अच्छा एक काम कर लेते हैं, अभी आपने जाना नहीं है, ठीक है, मुझे थोड़ी सी इंक्वायरी इस पर कर लेने दे जल्दी से, इस पर जल्दी से इंक्वायरी कराओ। और अगर आप जिस तरह कह रहे आपके साथ जाती हुई है अभी आपने जाना नहीं है, आप जाए ये सामने वाला दफ्तर है उधर, ठीक है, वो एक अफसर है वो एक छोटी सी इंक्वायरी करेगा घंटा दो घंटे लगाएगा मुझे बताएगा और फिर हम उनको डंडा देंगे, ठीक है, पर्चा भी करेंगे उनके खिलाफ डंडा देंगे उनको उनकी बदमाशी निकालेंगे। क्यों करवाई हुई है? अच्छा वो जब भी थाने नहीं गए जी, जी जमीन देना मेरे बेटा ने खोली मेरे को दुकान देना में कब्जा कर बैठ गए। अच्छा किसने? मेरे बेटे ने सजाद रियाज से तीनों बेटे ने ली। बाबू जी आपके बेटों ने? जी बेटों ने मेरे ने तब्दील करा ली अपने नाम। ये कैसे? बस जो मुझे चलता पे सारा कुछ है ना, पैसे दे, पैसे भी मेरे थे, जमीन भी मेरी थी, पैसे दे के ज्यादा इंतजार करा दे। ये कब की बात है? ये है मैं बीमार हो गया था सारी साल दे शुरू दे पिछले साल दे ना 11वें 12वें महीने दे जे मेरे प्रधान। अच्छा ऐसे जो साहब ये देखो ना ये बाबा जी मोहम्मद शेर आए हैं हमारे पास, तो कह रहे हैं मोहम्मद मुनीर बच्चे अखबार कर दिया है। मुनीर जी मोहम्मद मुनीर जी मैं सोचा कमा के आया 5 साल 10 साल नौकरी की थी उत्थे पैसे कमा के जमीन ली थी नारे दुकान लिया मेरे बेटे बेटे पढ़ाया उल्टा मेनू अखबार कर देता है। अच्छा इस पे आपने तसल्ली करनी है जल्दी से, ठीक है, और फिर आपने बाबा जी को अपना हक दिला देना है उसके बच्चों को और उसके बच्चों को सबक सिखाना है। पैसे कानूनी दफ्तर आपके पास है, फिर आपने सारा सबक सिखाना है और उसके अपने हक तसल्ली करानी है। समझ आप जाए बाबा जी आपके साथ तो खुदी रब्ता करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है आपसे भी रब्ता कराते हैं, किसी को रब्ता कराते हैं, फिर आप उनके पास जाएंगे। अच्छा 20 लाख देने थे 15 दे दिए हैं, 5 नहीं दे रहा? नहीं 5 दे दिए हैं, 15 नहीं दे रहे। थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा बताएं, ये सर दरखास्त इसकी वालदा ने गुजारी थी पहले, आप ये कदीर है सर, आप इनके खिलाफ वाले हैं? जी जी सर, इनके खिलाफ वाले हैं? जी जी। अच्छा ये जिसके खिलाफ दरखास्त ना वो आसिफ शाह है साहब का, मैंने का बेटा, मैंने का इलेक्शन लड़ रहे हैं साहब का, मैंने हम जनाब के पास प्रोफ पेश हुए थे जो हमारी दरखास्त आपने मार की थी, आप लोगों ने देने पैसे कितने देने? नहीं सर नहीं, मैं आपको बताता हूं ये
इंक्वायरी तलब मामला है जी। नहीं सर, इंक्वायरी हो चुकी है, 10 दफा हो चुकी है, ये इनका 10वां रोज है। 2019 से है जी मामला। ये आपके आप इनके साथ हैं? नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरे खिलाफ है। ये सर सैयद आसिफ शाह के खिलाफ ये दरख्वास्त है, उनके वाले साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं एमएलए का, तो मैं हम कल जनाब के पास पेश हुए जुम्मे वाले दिन। ये इंक्वायरी सर ये ना पहले ऑलरेडी डीपीओ साहब ने, एसपी साहब ने, वो डीएसपी साहब ने 10 दफा सुनने के बाद ये फाइनल इंक्वायरी कर दी सर। इसमें इंक्वायरी फाइनल हो गए जनाब के दफ्तर में दाखिल थी, उसकी हमने कल दरखास्त जनाब को गुजारी। पॉइंट क्या है? पॉइंट सर ये सिर्फ ये आखिरी लाइन पढ़ लो, ये जो है ना ये इंक्वायरी ये आखिरी लाइन पढ़ लो। उन्होंने लिखा था आसिफ शाह के साथ इनका कोई लेन देन नहीं। किसका है लेन देन? किसके साथ है? नहीं लेन देन नहीं है तो सर इनसे पूछिए 5 लाख किस चीज का दिया आसिफ शाह ने? 5 लाख बी डिवीजन में 15 दिन का टाइम दे दिया सर। सर इसमें सर किसके साथ लेन देन था? किसी और के साथ था? वो कौन है? दिलदार था सर। दिलदार किधर है? दिलदार का नहीं हमें पता सर, हमारे काम कर लेते हैं सर जी। इधर देखना ये पीछे ना ये देखना ये सर जी, ये हमने ना नदीम शाह जमानती है। नदीम शाह जमानती है? हाँ जी। अच्छा काम कर लेते बेटा, ठीक है सर। हमें ना 4 साल हो गए, पहले मेरी वालदा थी, वालदा अब हम सदमे में, ये ना कागज ही नहीं थे लगा हुआ साथ। मुझे तो करने दो ना ये सर। सर ये राज्य 5 लाख दिया है, वो 15 दिन का टाइम नहीं लिया था इन्होंने। अभी आप लोगों ने, मैं इस पे इंक्वायरी लगाता हूँ, ठीक है? वो 4 साल पुरानी पहले बात ये फ्रेश इंक्वायरी करते हैं, मैं खुद अपने में कराऊंगा। सर जी ठीक है जी, जरा किसी ने तो पैसे देने ना इनके, ठीक है सर। हमारे पास चेक भी है, स्टाम्प भी है सर, ये भी पढ़ लेना। इंक्वायरी करेंगे सर, इंक्वायरी में चीजें दिखाओ, मेरी बात सुनो जी। सर सर हमें ना 4 साल हो गए, ये एमएनए का बेटा है, हमारी सुनवाई नहीं है। बात सुनो ना आप जी सर। जी सर मैं बात करूँ या बात? जी सर नहीं नहीं सर बोलिए, सॉरी। शाकर अली आपको जिससे भी पैसे लेने हैं, मैंने इंक्वायरी सिर्फ करनी है, ठीक होगा। जिससे भी आपने पैसे लेने हैं हम उससे पैसे आपको लेके देंगे, ठीक होगा सर। थैंक यू सर, शुक्रिया। इंक्वायरी में क्लियर हो जाएगी मजीद की। ठीक है, आपका तो मसला मैंने सुना हुआ है। सलीम साहब को लारा 10 दिन फोन कर पैसे देने वापसी चले जाओ, असि रेट से खड़े हैं। अच्छा मुश्ताक साहब बताए, ये दोबारा गई है बीबी हमारे पास? इन्हें तो साड़ी सुनी कौन? 61/23 380 एस एच ओ मकसूद अहमद, वो तो अभी तो एस एच ओ मकसूद है ही नहीं, उधर भी तो एस एच ओ दूसरा है। अपने डर आले भाजपा है, भाजपा है वो नहीं है एस एच ओ अभी मुश्ताक है। उसको समझ नहीं आ रही है, आपके पास आए हैं ये बाजवा साहब? हाँ जी। नहीं जी, शाकर अली पूछ ले गए, झूठ नहीं बोलते पे, काबे मने मुंह है उमरा करके आई है, झूठ नहीं बोलते। मकसूद साहब ने तो सानू लारा लप्पा ही लाई रखा, सलीम साहब ने अच्छा काम करे, ठीक है। हाँ जी, अभी आप लोगों ने जिससे इंक्वायरी हमने अफसर से कराई थी, उस अफसर के पास आप लोग जाएंगे अभी दोबारा? बिल्कुल, उधर एसएचओ से भी वो बात करेगा, आप साथ जाओ, एसएचओ से भी बात करेगा, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने समझना है कि क्या सुस्तियाँ हुई है, कि आप लोग इनके साथ मिले भी हैं कि नहीं मिले, और आपका भी मसला दोबारा बिल्कुल सुबह जाइए, अभी सुबह 10 बजे के पास जाएंगे अभी साथ। अच्छा हम कितने जाएंगे? तो इधर जाओगे मेरे दफ्तर में। अच्छा इतने जाओगे? अथो जी साढ़े ते रिटा करवा छड़िया ने, आप भी कर दितिया ते फुला साड़ा ते कर दितिया इन्होंने, बाद में खा दिता मकसूद साहब ने साढ़े खिलाफ। अभी आप जाए ना अम्मा जी। हाँ जी, थोड़ा सा हमें समझ लेने दें। हाँ जी ठीक है, और उसके बाद पर एसएचओ को भी टास्क करेंगे, आपके काम करेंगे, ठीक है? ठीक है, सुबह जाइए उसे, अभी तो उधर जाए। हाँ सुबह उधर जाएंगे, आपको लेके जाएंगे अभी। अच्छा वापस आ गया जवाब, आप ये कह रहे हैं? ठीक है ओके हो गया। इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जमीन का मामला हल करके ठीक है। इलेक्शन ठीक है, इंक्वायरी की कॉपी उस रात 9 बजे में मिला था आपसे, ले लो, ठीक है।